खगेन के बाद में पूजा जट्टारी तैयार रहे, भूपेंद्र के बाद में पूजा जट्टारी। बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और कवि कह रहा है कवित के माध्यम से, भक्ति से लंका जैसी नगरी में राम नाम आयो है। ₹100 बड़े भाई इंदर जी डागुड़ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी उम्र में परम पद कुपा और कहा भैया साखी के माध्यम से कैसे आपसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। अरे एक दिन खेलत ही खेलत में गयो है देखो तीनों
अरे लीला तेरी तू जाने रुपया प्रकाश दुकानदार जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे विद्वान बताते हैं दादाजी क्या खास मजा आता है दास्ता गम सुनाने में। मजा तो आता है बैठकर दो आंसू बहाने में। तुझे क्या मिल गया जालिम किसी का दिल दुखाने में। इंसाफ तो होगा उस खुदा के कार खाने में। विद्वानों पिता में भीष्म बाणों की सैया पे पड़े हैं परम पिता पंडन को लेके। परम पिता पंडन को लेके पास भीष्म के जा रहे उत सर सैया पे पड़े पिता में प्रभु की आस लगा रहे। सो आए के आज कन्हैया मोकू आए के आज सांवरे मोकू अंतिम दरस करा दे और माधव मेरे या जीवन को सफल बना दे। कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए जाए के रानी द्रौपदी ने बाबा के चरण स्पर्श किए हैं। सबने कियो प्रणाम खुशी भय भीषम बाबा कहने लगे कर जोर आज में सर्वस बाबा मेरी पूरन है गई ये आस क्यों कले कि मेरे कुटुंब को प्रभु आए गए मेरे पास। अब तन को छोड़ चलूं सुरपुर को बस आज्ञा मुझको दीजिए। इतने से वचन बाबा भीष्म ने सरसैया से बाणों की सैया से कहे तो दादा रानी द्रौपदी ने बाबा के चरण स्पर्श कर लिए पांव छी लिए तो देखो बाबा के मुंह में से कुछ शब्द निकल गए और वो शब्द मराठी के माध्यम से आ रहे हैं। कैसे भैया धर्मवीर बेटी तेरी नजर न जाए
ढोलक वादक के लिए मास्टर घनश्याम जी पीटीआई हिरडोटी रायगढ़ वाले दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम मित्रों ने 1 रुपया हमारे फौजी जी दे रहे, क्या कहा और ये 1 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी वरिष्ठ कलाकार ओंकार मीणा जी दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार महाराज जी की तरफ से आए हैं और सभी कलाकारों का सम्मान और 101 रुपए सरपंच साहब की तरफ से। पिता में भीष्म कह रहे रानी द्रौपदी से कोई किसी का कुछ नहीं करता, केवल भ्रम की माला है, जाको नहीं जगत में कोई बाको मुरली वाला है। इतनी सुनी द्रौपदी रानी, इतनी सुनी द्रौपदी रानी और फिर बानी अपनी भाखी, अरे बाबा नायक कसर आपने राखी। ₹51 समय सिंह जी दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो पिता में भीष्म से रानी द्रौपदी कह रही है, बाबा आज तो तुम बोलने बाद ना भूल गए, जातना मेरा चीर हरण हेरो पाओ,
एक दृष्टि, एक नजर, एक निगाह मैंने आपकी तरफ भी डाली थी। आप तो निष्ठुर बन गए, निर्दयी बन गए, निर्मम बन गए, कठोर बन गए। रानी द्रौपदी ने बाबा भीष्म के लिए एक दोष लगा दिया, लांछन लगा दिया, अवगुण बता दिया। मास्टर क्या कहा झड़ में? तेरे नाम हो अरे चादर मक्खी चादर मक्खी तुम ऐसे बन गए कैसे? तुम ऐसे बने कठोर बाबा क्यों लाए बेटा तू खुला। और
मतलब की बात आ रही है, अच्छी लग जाए तो नेक्स्ट ही ताली बजा दियो है। जो अशोक वाटिका में मैया, अशोक वाटिका में बलशाली रावण मां सीता जी को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करता था। एक दिन त्रिजटा नाम की राक्षसी, जिसने मां सीता को अपनी धर्म की बेटी बना लिया, जब त्रिजटा ने रात्रि में एक सपना देखा, देखो बड़े गौर से सुनियो, अब वो त्रिजटा जानकी ते बता रही है, बेटी आज रात में मैंने एक सपनों देखे हुए, और सपनों का देखे और रागड़ी में देखो, रागड़ी आ रही है कैसे, चाचाजी सियाती लाला बेटा 5 मिनट और रोक लिया चाय फिर बांट दियो। अरे रो रो त्रिजटा कहे जाको थर थर कपे शरीर रात में और सपनों देखो रावण को भयो अखीर Yeah.
जब ते भूल गए हो अब कोई होश भयो